तो आज बात करेंगे भगोड़ी के मिशन की। भगोड़ी ने लप्पू के परिवार को कितने में खरीदा अपना बर्थडे मनाने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आज भगोड़ी ने अपना बर्थडे मनाया है। उसके जो प्यारे भाई है, शेर भाई है, जो शेर सवा शेर, वो नहीं दिखे बर्थडे में। आपसे सारी बातें बताऊंगी आज। 5 मिनट का लाइव आई और उस 5 मिनट के लाइव में इसके पूरे परिवार के हाव भाव देखिए। जो छिपकली है ना, जिसे अपनी जेठानी कहती है अंजलि, उसके चेहरे के हाव भाव देखिए। जैसे कि आज 10 जून था, यानी कि वीडियो कल आएगी तो मैं 10 जून 11 को आएगी। 10 जून को कोर्ट में गुलाम हैदर और सीमा हैदर को आमने सामने पेश होना था, लेकिन गुलाम हैदर को परमिशन नहीं मिली, वीजा नहीं मिला और गुलाम हैदर भारत नहीं आ पाया। और इसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 10 जून को ये अपना बर्थडे मनाएगी। फिलहाल कई लोगों के सवाल थे कि इसकी बर्थडे की जो कन्फर्म डेट क्या है, तो इसको खुद भी पता नहीं होगा कि ये किस घड़ी, किस मुहूर्त में, किस काल में पैदा हुई, क्योंकि इसकी पैदाइश जिस घड़ी में हुई होगी वो बड़ा अजीबो गरीब नक्षत्र रहा होगा। जिस तरीके की इसकी मानसिक स्थिति है, जिस तरीके से तरह तरह के ड्रामे बखूबी निभा लेती है हर कैरेक्टर को, तो इसका जन्म का तो मुझे लगता है ब्राह्मण है, लेकिन मुस्लिम समाज से वहां पर क्या होता मुझे नहीं पता, मौलाना वगैरह, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी घड़ी कौन सी है जन्मदिन की। आज बात करेंगे लप्पू का परिवार जो इन्वॉल्व है, इतने सारे क्राइम होने के बाद, इतने सारे इस पे धाराएं लगने के बाद, इतने सारे इस पे मुकदमे लगने के बाद, इतनी सारी इसकी हकीकत आने के बाद, नेपाल से जो मोबिन मलिक सर खोजबीन करके लाए हैं, उसके बाद जो इसका परिवार बर्थडे मना रहा है, आज उसका कारण बताती हूँ। मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मुझे बिल्कुल इसके अंदर खाने से जो बात पता चली थी वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसने लप्पू की माँ को 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाले थे इसका मुंह बंद करने के लिए, ताकि कुछ भी गंदगी मचाए तो ये लोग दुम हिलाते हुए इसके पीछे आ जाए, इसकी बात में हम हाँ मिला दे। जिस घर में नमक रोटी नसीब नहीं होती खाने के लिए, दिन भर काम करने के बाद 2 रोटी के मोहताज हो जाते थे, उस घर में जब तमाम सुख सुविधा की चीजें आ जाएंगी तो उनकी औकात कुत्ते की बराबर रह जाएगी। इसलिए भगोड़ी ने अपने नाच, अपने गाने, अपने गलत तरीकों से जो कमाया हुआ पैसा है उसके एवज में इन सब लोगों को खरीद लिया है। अंजलि का एक वीडियो आपने बहुत पहले देखा होगा जिसमें बोल रही थी कि सीमा के आने के बाद हमारी मौज ही मौज है। तो ये लोग, पैसा तो इनको मिल गया लेकिन इनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। सीमा हैदर आज उस घर की मालकिन है। जैसे कि आपने देखा होगा इसका जो पहनावा है सनातनी कहती है, इसके आगे से बिल्कुल दुपट्टा नहीं है, शॉर्ट ब्लाउज ही पहने हुई है। ये भारत की बहू, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को हमेशा बोलती है कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन इसके संस्कारों से वो गंध झलकती है कि ये भारत की संस्कृति को बदनाम कर रही है। यूपी जैसे एरिया में जहाँ बहुएं सर पे पल्लू रखती है, फेस कवर भी करती हैं, ये अपना अधनंगा नाच वहाँ पे दिखा रही है। और इसके अवज में आज इसने बर्थडे मनाया, लेकिन इसके चेहरे पे खुशी नहीं थी, इसके चेहरे पे खौफ साफ नजर आ रहा था। लप्पू तो उस वीडियो में था ही नहीं, 1 सेकंड के लिए लप्पू का चेहरा दिखता है, लेकिन काला कोयले से भी ज्यादा वो डरा हुआ, वो खौफ उसके चेहरे पर नजर आ रहा है। साथ में जो छिपकली है, छिपकली को भी खरीदा हुआ है, उसके एवज में जो छिपकली को पैसा देती है, उसके बच्चों की नौकरी करना, उसके लत्ते कपड़े धोना, उसके घर के काम करना, ताकि वो उसके जो ग्राहक कस्टमर आते थे महेदर के, उनके आगे एक्टिव बन ठन कर रह सके और अपने आप को फिट रख सके। उसके लिए ये लप्पू का जो परिवार है, एक नौकर का काम कर रहा है, एक खरीदा हुआ, और सबसे बड़े गुनहगार हमारे भारत देश के, हमारे कानून के हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस इनलीगल घुसपैठी को अपने घर में शरण दी है। इन्होंने हमारे देश का कानून तोड़ा है, इन्होंने एक इनलीगल घुसी हुई महिला को यहाँ पे शरण दी। आप जानते हो गद्दार को शरण देने की सजा क्या होती है, कानून इस पर जरूर अपना पक्ष सुनाएगा, क्योंकि मैटर कोर्ट में चल रहा है, बहुत जल्दी ये मामला खुलेगा। और गुलाम हैदर भारत नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, क्यों नहीं उसे वीजा मिला, इस पर कई सारे सवाल हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और हो सकता है इस बीच सरकार बिजी थी, शपथ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलेगा, गुलाम हैदर को बहुत जल्द वीजा मिलेगा, दोबारा से इसकी प्रोसेस होगी और गुलाम हैदर भारत आएगा। और भारत आते ही मोबिन मलिक सर ने कहा है कि सीमा हैदर जो है उसको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तुरंत गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाएंगे। फिलहाल जो लप्पू का परिवार है वो एक नौकरों से भी बदतर स्थिति जी रहा है, और सीमा हैदर राज कर रही है इनलीगल घुसकर,
और लप्पू का परिवार एक मोहरा बन चुका है, क्योंकि पहले 2 लाख जो है, जो कुत्ता होता है ना, वो कुत्ते को लोग खाते हैं, उसके बाद जो जूठन फेंक देते हैं, ये अपना पूरा करने के बाद जो बचा कुचा जूठन है इन लोगों को फेंक देती है, उसके बाद दुम दबाते हुए, दुम हिलाते हुए इसकी आज्ञा मानने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लत है। एक बार और सीमा हैदर ने 50,000 लप्पू की माँ के अकाउंट में डाले, एक बार 2 लाख इसके अकाउंट में डाले, ताकि इसका मुंह बंद किया जाए। और मैं जो कोर्ट में मैटर चल रहा है, ये कह रही थी ना मोबिन मलिक के खातों की जांच की जाए, उनकी इसकी जांच की जाए, उनके अकाउंट की जांच की जाए, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मोबिन मलिक सर से कि सर इसके जो लप्पू का परिवार है इनके सबके अकाउंट की जांच की जाए, क्योंकि इनके अकाउंट में पैसा भगोड़ी ने डाला है, कहाँ से आ रहा, क्या आ रहा, उसका कहाँ यूज हो रहा है, कौन इस पर क्या कर रहा है, इस चीज पर अमल लाए और इस चीज पर अपनी बात को यहाँ पर रखे, क्योंकि लप्पू का पूरा परिवार दोषी है। ये पूरे इसमें इस कांड में ये मिले हुए हैं, इन सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत के कानून को लगातार तोड़े हैं और लगातार हमारे भारत के संविधान को बदनाम कर रहे हैं, हमारे भारत की संस्कृति को इन्होंने मटिया मेट कर दिया। एक इनलीगल घुसपैठी महिला के कारण हमारे देश के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत किया है। आज कुछ बहनों को मुझे कमेंट आ रहे थे, लेकिन मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, शायद कुछ दिक्कत है, कल से मेरा कमेंट नहीं जा पा रहा। तो मैं बता दूं, अगर आप भगोड़े को प्यार करते हो तो करिए, बेशक अगर आप इसके बिना नहीं रह सकते हो तो आप भी अपना बोरिया बिस्तरा बात कर जा सकते हो, क्योंकि आप जैसे घुसपैठी जो इनलीगल लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों की हमारे भारत में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम क्यों बोलते हैं, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि एक बेचारी असहाय महिला के पीछे पड़ी हुई एक औरत हो, तो शर्म कर लो थोड़ा सा। एक असहाय महिला के कारण क्या अपने देश को हम खतरे में डाल देंगे, अपनी भारत की संस्कृति को हम मिट्टी में मिला देंगे? थोड़ा सा तो शर्म कर लो, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि हम भारत, अपने आजाद भारत में रहते हैं, ऐसे लोगों की वजह से कल के दिन अगर हमारे भारत में कोई दिक्कत आती, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं बताती इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मुझे पता है आपका जवाब तो एक ही होगा ना। मैं बताती इसका जिम्मेदार है लप्पू का परिवार, एपी सिंह के साथ साथ लप्पू का परिवार इसमें इन्वॉल्व है। जिस तरीके से छिपकली दिख रही थी आज वीडियो में और इसकी माँ दिख रही थी, चेहरे पे इनका डर खौफ साफ नजर आ रहा है। इनको पता चल चुका है कि कानून का डंडा बच चुका है, लेकिन हराम का खाया है ना, उसकी जगह कहीं ना कहीं तो इसकी गुलामी ने करनी है और इनकी मजबूरी है। सीमा हैदर इनकी एक ऐसी गले की हड्डी बन चुकी है जिसे ना तो ये निगल सकते हैं ना इसे उगल सकते हैं। बहुत बुरी सिचुएशन में भगोड़ी ने इन्हें डाल दिया है। अब इस सिचुएशन से पता नहीं इनको अल्लाह भगवान कोई बचा भी पाएगा या नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सीमा हैदर लगातार जिस तरीके से टारगेट कर रही थी, अब वो चीजें नजर नहीं आ रही है। आज 10 जून निकल चुका है, मोबिन मलिक सर का कोई अपडेट नहीं आया है, कल शाम तक शायद कुछ अपडेट आए या आज रात तक आए, क्योंकि अभी 9 बजे हैं, 10 बजे तक हो सकता है मोबिन मलिक सर लाइव आए, उससे पहले ही मैं वीडियो बना रही। फिलहाल मैं वीडियो में यही बताना चाह रही थी कि इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इसकी क्या शर्त थी, किस शर्तों के बेस पर इसने बर्थडे मनाया, तो उसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि लप्पू की माँ और लप्पू की बहन, लप्पू की भाभी सबके मुंह पे इसने हड्डियाँ डाल दी ताकि उनका मुंह बंद रहे, उनके अकाउंट में पैसे डाल देती है। लप्पू की माँ के अकाउंट में तब पैसे डाले थे इसने 2 लाख रुपए, जब नेत्रपाल घर छोड़कर भागा था, क्योंकि लप्पू की माँ उससे लगातार सपोर्ट करती थी, इसको ये पैसा देते रहती थी इसकी गलतियां छुपाने के लिए। उसी बीच नेत्रपाल को इसका सारा हकीकत पता चल गया, नेत्रपाल को उन्होंने मारा पीटा भी और नेत्रपाल घर छोड़कर चला गया था। लेकिन ये लप्पू की सगी माँ नहीं, अगर सगी माँ होती ना बच्चों को गलत करने से हमेशा रोकती है, लेकिन ये औरत नहीं रोकेगी, इसको पता है कि उसका सगा बेटा तो है नहीं भैया, सौतेला है, इसलिए जो कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल पैसा तो आ रहा है, आपने देखा होगा लप्पू की माँ से ज्यादा इस महिला की एज है जो भगोड़ी ऐसी मायदर, इसको खुद के डेट ऑफ बर्थ इसके 3-3 है, इसको खुद कंफ्यूजन है कि कौन सी घड़ी में पैदा हुई, इसको खुद पता नहीं होगा। ऐसी इनलीगल घुसपैठी और गलत औरत को हमारे भारत में जो लोग सेह दे रहे हैं, तो थू करती हूँ मैं ऐसे लोगों पे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आजाद भारत में बैठे हो, एक गलत महिला का सपोर्ट कर रहे हो। तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को लंबा न करते हुए मैं मंजू विश्वकर्मा हजन उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।